तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सॉन, गुल्ली और बुल्ली घूमने जा रहे थे कि तभी गुल्ली के हाथों एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद फिर गुल्ली को पता चलता है कि ये सिर्फ उसका एक भ्रम था। लेकिन फिर भी गुल्ली को वो इंसान जिसे हम लोग जेफ द किलर के नाम से जानते हैं, वो गुल्ली को बार बार दिखाई देता है। पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि जब जेफ सॉन को चाकू से मार रहा होता है कि तभी पीछे से गुल्ली के कंधों पर किसी का हाथ आता है, जिससे गुल्ली घबरा कर पीछे मुड़ता है और अपने सामने सॉन और बुल्ली को देखता है। चलिए दोस्तों, अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली फिर बोलता है, तुम यहाँ कैसे? अभी तो तुम्हें जेफ द किलर ने मेरे आंखों के सामने मार डाला था, लेकिन तुम तो एकदम ठीक ठाक यहाँ खड़े हो। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो गुल्ली, चलो जल्दी से, हम तुम्हारे खाने की टेबल पर कब से इंतजार कर रहे हैं। फिर वहाँ से ये तीनों खाना खाने के लिए निकल जाते हैं। और खाने की टेबल पर फिर से गुल्ली को जेफ द किलर खाना लाते हुए दिखाई देता है, जिससे गुल्ली फिर से काफी घबरा जाता है और गुल्ली और सॉन को देखने लगता है। और कहता है, देखो मैंने कहा था ना, यही आदमी मुझे बार बार दिखाई दे रहा है और ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। जिस पर गुल्ली बोलता है, इस आदमी को तो हमने पहली बार देखा है। फिर जब गुल्ली फिर से उस आदमी की ओर देखता है तो वो जेफ द किलर ना होकर एक साधारण सा वेटर था, जो कि अपने हाथों में खाना लिए खड़ा होता है। तीनों के सामने तंदूरी चिकन परोसा जाता है, लेकिन गुल्ली को अपने प्लेट में एक इंसानी उंगली दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खड़ा हो जाता है और कहता है, मैंने कहा था ना, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। देखो मेरे प्लेट में किसी की कटी हुई उंगली रखी है। जिसे देखकर सॉन और गुल्ली कहते हैं, तुम्हारे प्लेट में तो एक तंदूरी चिकन रखा है और उसके अलावा इस प्लेट में और कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें नहीं खाना है तो हम लोग को दे दो, इतने बहाने क्यों कर रहे हो। और सॉन कहता है, इसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हें अगर नहीं खाना है तो बोलो, मैं ही खा जाता हूँ, वैसे भी मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। और जब गुल्ली खाने को देखता है तो उसमें जो उंगली उसे दिखाई दे रही थी वो गायब हो जाती है। फिर गुल्ली कहता है, तुम लोग मेरी बात पर भरोसा ही नहीं कर रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। गुल्ली इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पर होटल का रिसेप्शनिस्ट आ जाता है और गुल्ली से पूछता है, क्या हुआ सर, दिक्कत हो रही है क्या आपको? जिस पर गुल्ली बोलता है, आपके खाने में एक इंसानी कटी हुई उंगली मिली है, ऐसा हो ही नहीं सकता है सर, हमारे होटल में ऐसा काम नहीं होता है। तो जब गुल्ली पीछे मुड़ता है तो वो गुल्ली और सॉन की जगह पर जेफ द किलर को पाता है। फिर वो जब रिसेप्शनिस्ट की ओर घूमता है तो वो रिसेप्शनिस्ट के जगह पर भी जेफ द किलर को ही पाता है। अपने सामने तीन तीन जेफ को देख कर वो काफी घबरा जाता है और दौड़कर वहां से भागने लगता है और होटल से निकलकर वो जंगल की ओर भागता है। भागते भागते वो वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। और वो अपने सामने जो देखता है, जिसे देखकर तो गुल्ली के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में उन तीनों की लाश पड़ी हुई थी। और ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसे समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, क्या ये उसकी आत्मा है, क्या वो मर चुका है। तभी गुल्ली की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये सब तो सिर्फ गुल्ली का एक बुरा सपना था। और वो अपने आप से कहता है, अच्छा हुआ जो ये एक बुरा सपना ही था। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी है? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।